हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं SGP डिस्कवर। दोस्तों, इस फ़ोन में मुझे बैटरी एरर प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, फ़ोन का जो चार्जिंग वोल्टेज है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें चार्ज नहीं हो रहा है। बैटरी में चार्जिंग एरर नहीं, मतलब बैटरी एरर ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, आज मैं आपको वही दिखाऊँगा। तो दोस्तों, एक पुराना डेड बोर्ड लीजिए और उसमें से एक रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है जिसका वैल्यू 3K से 10K के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं वही रेजिस्टेंस ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मुझे मिल गया एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू यहाँ पर 9.9 दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस से काम चल जाएगा। आपको 3K से 10K बीच में कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपको मिलता है तो आपका काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर आपको 9.4 अभी दिखा रहा है। तो ठीक है, इससे हमें काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इससे कोई कम वैल्यू का भी मिलता है, 4K 6K, तो भी चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस को आपको ऐसे उसको निकाल लेना है और इसका दोनों साइड में आपको दो जो जम्पर वायर होता है वो जोड़ देना है। देखिए दोस्तों, ये जो मेथड है बिल्कुल प्रूफ है। अगर आपको कभी भी बैटरी एरर ऐसा सिग्नल आपको दिखता है तो आप, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप ऐसे कीजिए, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आपको वायर उसमें जोड़ देना है और हमारा मोबाइल का बोर्ड में जो माइनस का बैटरी का जो माइनस कनेक्शन होता है और बीच में जिसमें नो कनेक्शन होता है, इस दोनों में ये रेजिस्टेंस आपको जोड़ देना है। बिल्कुल ऐसे देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, बस इतना सा कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये बिल्कुल ही प्रूव है। मैं आपको लास्ट में आपको दिखाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। आप बिल्कुल ऐसे ही जोड़ दीजिए और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये ठीक से चार्ज होगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, इसको प्रूफ आपको भी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है अभी अभी, इसमें जो बैटरी एरर वो नहीं दिखा रहा है। मैं आपका बिल्कुल फुल आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसको चार्जर को खोल देता हूँ और जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगाया है कनेक्शन, उसका मैं एक कनेक्शन वहाँ से खोल देता हूँ। यही प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब देखिए देखिए, मैंने एक कनेक्शन जिसमें माइनस में जुड़ा था उसको मैंने यहाँ पर खोल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया उस रेजिस्टेंस को। तो देखिए, अब देखिए अब चार्ज होता है कि नहीं होता है, आप ये देखिए। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब मैं चार्जर को दोबारा से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर आपको बैटरी एरर दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, बैटरी एरर आपको सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और चार्ज नहीं हो रहा है, बंद हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं दोबारा से उस वायर को कनेक्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा दोस्तों, फिर से यहाँ पर ये चार्ज होने लगेगा। तो दोस्तों, मैंने दोबारा से उसको कनेक्ट कर दिया उस रेजिस्टेंस को। तो अब देखिए दोस्तों, अब बैटरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चार्ज होने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, बैटरी एरर का जो प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल इतने ही आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल अभी यहाँ पर चार्ज हो रहा है, यहाँ पर कोई भी आपको बैटरी एरर शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और कई दूसरे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।